अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है लॉन्ग एंड शॉर्ट वाल मेथड, तो लॉन्ग और शॉर्ट वाल मेथड क्या होता है आज इसको पढ़ेंगे हम। ये आपके सामने मैंने एक फिगर बनाई है, दो रूम है, उनके साइज़ मैंने लिखे हैं। रूम वन है 3x4 मीटर, रूम टू है 5x4 मीटर। इसकी इंटरनल लेंथ हमें गिवन है, हमने एक्सटर्नल लेंथ मालूम करनी है। लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड में होता क्या है बेसिकली कि दीवार के एंड वाले कॉर्नर से लेके दूसरे एंड वाले कॉर्नर तक जो इसका एक्सटर्नल लेंथ होती है वो इसकी लॉन्ग वॉल होती है, और जो अंदर जो छोटी वॉल्स होती हैं उनको शॉर्ट वॉल बोलते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये साथ इसका क्रॉस सेक्शन दिया गया है, ठीक है ना, ये देखना है आप लोगों ने। ये मैंने 4-5 स्टेप लिखे हैं जो बेसिक रूल्स हैं कि ये क्या होती है। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैलकुलेटेड आउट टू आउट एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कैलकुलेटेड इन टू इन। समझ आ गई। नंबर टू पे हमारे पास है लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू आउट टू आउट लेंथ ऑफ वॉल प्लस 2 टाइम प्रोजेक्शन, कि जब आप लोगों ने इसकी लेंथ मालूम करनी है एक्सटर्नल के बाद जब आप लोग इसकी खुदाई करते हैं तो वो उसके लिए बता रहा है कि लेंथ ऑफ वॉल इज इक्वल टू आउट टू आउट लेंथ ऑफ वॉल प्लस 2 टाइम प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस क्या है वो नीचे मैंने लिखा है, उसका फार्मूला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या है, इन टू इन शॉर्ट वॉल माइनस 2 टाइम एंड हाफ प्रोजेक्शंस। हाफ प्रोजेक्शंस का फार्मूला मैंने नीचे लिखा है, ब्रेथ ऑफ एटम मीन्स के जो आपको नीचे एटम्स दिए गए हैं खुदाई कितनी की है नीचे ऊपर स्टेप में क्या है, और माइनस थिकनेस ऑफ अबव प्लिंथ लेवल, जो ऊपर वाली प्लिंथ वॉल है प्लिंथ थिकनेस है प्लिंथ लेवल से ऊपर वाली वो इसमें से माइनस करनी है और डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल हमने मालूम करनी है, यह हमारे पास लंबाई में रूम 3 जमा 5 प्लस 3 1 2 3 वॉल्स हैं, ठीक है, और वॉल थिकनेस कितनी है यह आपको सामने नज़र आ रहा है 0.3 मीटर। तो ये इसकी लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल 8.90 मीटर हो जाएगी। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या है, वो अंदर अंदर से आपको गिवन है क्योंकि एक्सटर्नल हमने मालूम कर ली, अंदर से 4 मीटर है। आगे अब हमने क्वेश्चन की तरफ आना है। यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन को अपने को कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है। ये आपने एक फॉर्म मैंने आई थिंक आप लोगों को क्लास के अंदर भी बताया था, ये टेबल बनाना है आप लोगों ने। नंबर वन एक्सीवेशंस करनी है लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों की। तो लॉन्ग वॉल नंबर्स में 2 लिखी है मैंने क्योंकि तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये लंबाई में 2 वॉल्स हैं, ठीक है, और जो शॉर्ट वॉल्स हैं वो नंबर्स में 3 हैं। तो लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू 9.5 जिसकी लंबाई होगी और इसकी विड्थ ब्रेथ 0.90 और इसकी हाइट थिकनेस जो है वो 0.60, और इसको कैलकुलेट करने के बाद इसकी 10.66 इसकी क्वांटिटीज आ गई। अभी ये हमारे पास सवाल जाता है कि ये 9.50 कहाँ से है। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला बताया कि हाफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू एटम विड्थ कितनी है जी 0.9 मनफी थिकनेस ऑफ ब्रेथ थिकनेस ऑफ प्लेंथ लेवल से ऊपर वाली जो वॉल्स हमें दी गई है गिवन 0.3 और डिवाइडेड बाय 2 कर देना हमने, तो ये 0.3 हो गया। तो 8.9 के अंदर जब हम जमा करने और लॉन्ग वॉल मालूम करने का फार्मूला है कि 8.9 प्लस 2 टाइम प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन हमारे पास कितना है 0.3, तो
तो ये जब आप जमा करेंगे तो 9.45 आ जाएगा। उसके बाद हाफ प्रोजेक्शन शॉर्ट वॉल का मालूम करना है, 4 - 2 हाफ ऑफ प्रोजेक्शन 0.3 इज इक्वल टू 3.6। पीसीसी वर्क मालूम करना है, जितनी खुदाई आपने करनी होती है उतना ही आपने जो नीचे लीन डालनी होती है, पीसीसी वर्क करनी होती है वही होता है। तो लॉन्ग वॉल इज इक्वल टू, नंबर्स में 2 हैं, लंबाई में 9.5, ब्रेथ में 0.9 और हाइट में 0.6। कैलकुलेशंस करेंगे 3.42 आ जाएगा। शॉर्ट वॉल में क्या है, नंबर्स में 3 है और उसकी जो लेंथ है वो सेम है, क्योंकि लेंथ यहाँ पे बड़ी है और वहाँ पे शॉर्ट वॉल की कम हो गई है और लॉन्ग वॉल की बढ़ गई है। तो जैसा कि ये तो आपको नज़र आ रहा है कि 8.9 इसके कितना है ऊपर से आपको नज़र आ रहा है, लेकिन वो अंदर से आप नीचे आप गहराई में जाएं तो खुदाई में क्रॉस सेक्शन ऐसे बता रहा है। तो ये वाली चीज़ जो है ये आप लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है और इस वजह से ये आपकी 9.5 बन गई। आगे है जी ब्रिक वर्क है अप टू प्लेंथ लेवल के लॉन्ग वॉल। स्टेप वन में हमने क्या करना है जी, 2 नंबर में 2 वॉल्स हो गई, 9.20 लेंथ हो गई, 0.6 इसकी ब्रेथ हो गई और हाइट 0.20, तो ये 2.208 हो गया। आप हाफ प्रोजेक्शन का वही सेम फार्मूला लगाएंगे। अभी पहले हमने यहाँ से 0.9 से निकाला था, अभी 0.6 से आप निकालेंगे तो ये आपका हाफ प्रोजेक्शन से जब निकालेंगे जो इसकी लेंथ आ जाएगी 9.20। शार्ट वॉल का स्टेप टू में भी सेम वही प्रोसेस है, वही आपने हाफ प्रोजेक्शन वाला फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगाने के बाद आपको ब्रेथ इसको इसकी लंबाई आ जाएगी। आगे लॉन्ग वॉल का स्टेप टू है, सेम वही प्रोसेस है लेकिन उसकी जो लंबाई है जो लेंथ है वो कम होती जाएगी। पहले में 9.5 होगी, दूसरे में 9.3 हो जाएगी और उसके बाद 9.1 हो जाएगी, उसके बाद 9 हो जाएगी। लॉन्ग वॉल स्टेप 3 में 9 और इसकी जो ब्रेथ है 0.04 हो गई और इसकी हाइट भी 0.0040 हो गई। तो इसकी आपने कैलकुलेशंस करनी है। अभी जब ये हो गया ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर, लॉन्ग वॉल क्या है जी, नंबर्स में 2 हैं। अब आपका सुपर स्ट्रक्चर जैसा कि ज़मीन से ऊपर आ गए, ग्राउंड पे आ गए, तो आपने देखना है कि यहाँ पे जो उसने गिवन रूम की दी थी, दोनों रूम्स की लंबाई आपने वही ली 8.90 और इसकी थिकनेस कितनी है 0.3 और लंबाई कितनी है 3 मीटर। और शॉर्ट वॉल क्या थी, नंबर में 3 थी और 4.00 इसकी लंबाई हो गई, ब्रेथ इसकी 0.3 हो गई और हाइट इसकी 3.00। अगर आपको गिवन होता यहाँ पे डोर डिडक्शन डोर ETC करना था। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो कमेंट्स में अपना रोल नंबर वगैरह लिख दें। इंशाल्लाह फिर अगले चैप्टर में हम अगले लेक्चर में हम सेंटर लाइन मेथड करेंगे।